सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद, रामपुर के नेता आजम खान कहां हैं? आजम खान अपनी तबीयत और तेवर के चलते जाने जाते हैं, अपनी ज़ुबान के चलते जाने जाते हैं। कहते हैं कि बहुत मीठी ज़ुबान है लेकिन नश्तर की तरह चुभती है। बड़बोले हैं आजम खान, कभी भी किसी भी सवाल का जवाब अपने तरीके से, अपने अंदाज में देते हैं। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा रहे हैं और बहुत लंबे समय से, लगभग 71 साल के हो चुके आजम खान उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत मुस्लिम चेहरा और आवाज़ हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से आजम खान नज़र नहीं आ रहे हैं, लिहाजा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आजम खान हैं कहाँ। अगर वो नज़र नहीं आ रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों और अभी आज की तारीख में कहाँ हैं? मैंने बहुत कोशिश की आज आजम खान को तलाशने की, लेकिन कहीं भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। जितने भी लोग मेरी जानकारी के हैं जो आजम खान को जानते हैं, उनसे भी मैंने तफ्तीश की, उन्होंने भी अपनी तरफ से जांचा, पूछा, परखा, लेकिन कहीं से कोई सुराग, कोई जानकारी नहीं आई। आपके सामने मैं आजम खान का जो मोबाइल नंबर है वो और उनके घर का जो नंबर है वो दोनों लगाता हूँ। एक बार आप भी देखिएगा, ये आजम खान का मोबाइल नंबर है और मैंने इसको स्पीकर मोड पर डाल दिया है और ये कट जाता है। ये बार बार मैं दोबारा उनका मोबाइल नंबर लगा रहा हूँ और आप देखेंगे कि यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कॉल। मोबाइल जैसे ही आप कॉल करते हैं, 5 सेकंड 7 सेकंड के बाद आपकी कॉल कट जाती है, एक्सेप्ट नहीं हो रही है, मोबाइल रिंग नहीं कर रहा है। और ना ही ये है कि स्विच ऑफ है या फिर नेटवर्क से बाहर है। जो कुछ भी आता है जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो ऐसा कुछ भी संदेश नहीं आता है। अब मैं उनका लैंडलाइन जो है वो लगा रहा हूँ, आजम खान का लैंडलाइन नंबर। ये यही आता है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है, डायल किया गया नंबर कृपया। दोबारा मैं लगाता हूँ, ये रामपुर का लैंडलाइन नंबर है। You seem to have dialed a wrong number. जबकि इस पर कई बार बात होती रही है और नंबर बिल्कुल यही है, मोबाइल नंबर उनका वही है, लेकिन मोबाइल से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बंद है। और उनके घर पर जो लैंडलाइन है वो भी कहता है कि आपने ही नंबर गलत डायल कर रखा है। आजम खान न रामपुर में हैं ना दिल्ली में हैं। दिल्ली में भी उनका जो नंबर है मैंने लगाने की कोशिश की लेकिन नहीं लग रहा है। आजम खान के इस तरीके से गायब होने के बहुत बड़े कारण हैं और वजहें वाजिब सी हैं, मजबूत हैं। आजम खान के ख़िलाफ़ रामपुर में प्रशासन ने, पुलिस ने लगभग 80 FIR दर्ज कर ली है। पिछले एक हफ्ते के भीतर 11 FIR दर्ज हुई हैं और जो 80 FIR उनके ऊपर कुल दर्ज हैं उनमें से 29 FIR लैंड ग्रैबिंग के हैं, यानी कि ज़मीन कब्जाने के हैं। आजम खान पर दर्ज तमाम FIR में से ज़्यादातर मामले ज़मीन कब्जाने, किसानों की ज़मीन हड़पने, लोगों की हत्या कराने की साजिश करने, धमकी देने, पैसा ऐंठने। आजम खान के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 120B और 420B है, यानी आपराधिक षड्यंत्र और जालसाजी, फरेब। बहुत मुमकिन है कि आजम खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो जाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस, रामपुर की पुलिस उनको तलाश रही है और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए ही आजम खान नज़र नहीं आ रहे हैं। रामपुर में मेरे सूत्रों ने ये बताया कि हाल में ईद के समय नमाज के वक्त वो दिखे थे, उसके बाद से रामपुर में वो नज़र नहीं आए हैं और उनके जितने भी नज़दीकी के लोग हैं वो भी रामपुर में अब दिख नहीं रहे हैं। यानी कि आजम खान और उनके नज़दीक रहने वाले तमाम लोग रामपुर छोड़ चुके हैं या फिर वो कहीं दबे हुए हैं, कहीं उन्होंने पनाह ले रखी है। अभी कुछ रोज़ पहले जब मुलायम सिंह से आजम खान के मामले को लेकर के बात करनी थी तो आजम खान की पत्नी जो राज्यसभा की सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, वो अकेले गई थी लखनऊ और उन्होंने मुलायम सिंह से मुलाकात की थी। उसी मुलाकात का नतीजा है कि मुलायम सिंह
प्रेस के सामने आए, मीडिया के सामने आए। लगभग 2 साल के बाद मुलायम सिंह मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने आज़म खान की तरफदारी की थी और कहा था कि आज़म खान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, उनके खिलाफ लिया जाने वाला एक्शन दरअसल समाजवादी पार्टी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई है, मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ और आज़म खान के साथ मैं हर वक्त समाजवादी पार्टी की तरह बना रहूँगा। हम उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील करते हैं कि आजम को अपमानित करना, अन्याय करना और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता नेता तैयार हो जाएं कल ही और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर दें और इस आंदोलन में हम खुद खड़े होंगे, इसलिए मामूली बात नहीं है। ये जो मुलायम सिंह को सुन रहे थे आप, इससे पहले अखिलेश भी मीडिया के सामने आए थे और रामपुर के जो एसपी हैं उनके ऊपर, वहाँ के प्रशासन के ऊपर और जो बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश की उसके ऊपर वो बिफरे थे, भड़के थे। आज़म खान के ऊपर दरअसल 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से मामले ताबड़तोड़ दर्ज होने लगे। वैसे 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तभी से रामपुर में आज़म खान ने जो कुछ भी कर रखा था और जहां जहां भी वो गलत कर रहे थे उसको मुकदमा बना करके उनके खिलाफ मामला दर्ज करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन चुनावों के बाद से उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे ज़्यादा हो गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि एक हफ्ते के भीतर 11 मुकदमे हो गए हैं। आज़म खान ने लोकसभा चुनाव के दौरान जया प्रदा जो कि बीजेपी की वहां उम्मीदवार थीं उनको लेकर के कुछ ऐसे बयान दिए थे जो मर्यादा के दायरे से बहुत नीचे थे, ओछे थे, अश्लील थे। आज़म खान की इस बात को लेकर के बहुत छीछा लेदर हुई थी और किरकिरी हुई थी, लेकिन आज़म खान अपने ऐसे ही बयानों के चलते जाने जाते हैं और बार बार जब भी वो मीडिया में सुर्खियों में होते हैं तो ऐसे ही तीखे और अश्लील या फिर मर्यादा तोड़ू बयानों के कारण होते हैं। आज़म खान आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं नदारद हैं, गायब हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को पनाह दे रखी है लेकिन पुलिस तलाश रही है और मेरा आज दिन भर लगभग 2-3 घंटे का वक्त इस बात को जानने में ही चला गया कि आज़म खान कहाँ हैं। रामपुर में नज़र नहीं आ रहे हैं, उनके अपने लोग भी नहीं दिख रहे हैं, वहाँ उनके घर पर फ़ोन नहीं लगता है, दिल्ली में जो उनका नंबर है उस नंबर पर भी कोई संपर्क नहीं हो पाता है, उनका मोबाइल नंबर बंद आ रहा है, मतलब आप जब भी नंबर डायल करते हैं तो कोई भी संदेश नहीं आता है बल्कि खट से वो आपका कॉल कट जाता है। कुल मिलाकर के आज़म खान की तलाश शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, इसलिए आज़म खान फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से दूरी बनाए रखने के लिए, उसके कब्जे से दूर रहने के लिए, वो गिरफ्तार ना कर सके इस खातिर अपने आप को कहीं छुपा रखा है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।